ये एक्सरसाइज है 1.4, क्वेश्चन नंबर 4, और ये पार्ट बी है। पार्ट बी क्वेश्चन है जी। पहले फर्स्ट का जो है कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, कॉलम क्लोज। सेकंड है 1, 2, 3, 4, -1, +1, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस की सिंबल होती है। तो इसमें भी हम पहली कंडीशन वही देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन के जी फर्स्ट कॉलम के कॉलम्स और सेकंड कॉलम के रोज इक्वल होने चाहिए। इसमें फर्स्ट कॉलम के जो कॉलम्स हैं वो 3 हैं, 1, 2, 3, और सेकंड कॉलम के कॉलम जो है उसकी जो रोज हैं वो भी 3 हैं, 1, 2, 3, ये 3 रोज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जहाँ पे कन्फ्यूजन आती है बता दीजिएगा, आप लोग बाद में बता सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं, कमेंट्स में भी बता सकते हैं। तो इसके साथ फिर वही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, हेड को हेड के साथ, टेल को टेल के साथ, और जाएंगे इसको डाउनवर्ड के साथ, इधर कॉलम्स के साइड से जाएंगे और इधर से रोज की साइड से जाएंगे। कॉलम स्टार्ट करते हैं हम। ये टेल है तो टेल को हम इस टेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 आ गया, प्लस सेकंड 2 × 3 प्लस 3 × -1। अब सेकंड को इसी के साथ करेंगे, सेकंड रो को 4 × 1 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × -1। अब नेक्स्ट करते हैं इस कॉलम के साथ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जो है 1 × 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 × 4 दिस वन, प्लस 3 × 1। सेम फार्मूले के साथ सेकंड रो को भी करेंगे हम, 4 × 2 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 1, कॉलम क्लोज। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 × 1 1 × 1 1 प्लस 3 × 2 6 प्लस, हाँ यहाँ पे एक बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है कि हमने यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है लेकिन आगे माइनस की सिंबल आ रही है, तो जब भी आप माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा सिंबल जो है ये बदल जाएगी और ये माइनस पे आ जाएगी, लिहाजा इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और यहाँ पे -3 आ जाएगा। फिर सेम इसी को कर लेते हैं, 4 × 1 4 प्लस 5 × 3 15, ये फिर माइनस आ गया, माइनस और प्लस
मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये फिर माइनस में फिगर आ जाएगी, -6। सेम पोजीशन इसके साथ हम करते हैं, 2 1 का 2, 4 2 प्लस 4 2 का 8, 4 2 का 8 प्लस 3 1 का 3। सेकंड रो, 4 2, 4 into 2 8 प्लस 4 5 4, 5 into 4 20 प्लस 6 into 1 6। ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट वन हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए जाते हैं। ये 6 प्लस 1 7 और -3, 7 में से 3 निकाला तो 4 आ गया, फिर 15 में से 6 गए 19 और ये टोटल आ गए 13। 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13 आ गए, ये 20 प्लस 8 28 प्लस 6 34। ये आपका आंसर आ गया। इस चूंकि आप इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ये आपका आंसर आ गया। और उम्मीद है मुझे कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा बड़े अच्छे से। अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट्स में किसी भी क्वेश्चन के मतलब पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।